यह हमारे लाइफ का सबसे खुशी का क्षण है और शुरू से बहुत प्यारा रहा है घर का, और कभी बाहर रह करके भी कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों से दूर है। और यही खासियत उसकी है कि सब दिन घर से बाहर भी रहा और हम लोगों से जुड़ा भी रहा और अभी तक जुड़ा हुआ है। और जो हम लोग चाहते गए बचपन से छोटे क्लास से लेकर करके हायर रैंक तक, वो हमारी इच्छा को पूरा करता गया। कभी सेकंड नहीं देखा कि सेकंड क्लास क्या होता है, वो कभी देखा नहीं। अब क्या उम्मीद करते हैं भतीजे? और हम उम्मीद करते हैं कि अब देश के लिए कुछ करने का क्षण है, जो हम लोग सोचे, मेरा भी सपना था, हम भी इसके लिए प्रयास किए थे जो सफल नहीं हुए थे। तो मेरा मानना है कि अब उसको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और जहाँ कमी है प्रशासनिक सेवा में, उस चीज़ को दूर करने का वो प्रयास करें अपने स्तर से भी, और एक नई नए ट्रेंड का शुरुआत हो उससे। मेरा नाम डॉक्टर मणि कुमार सिंह। बहुत खुशी हो रही है, खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो छोटा ही था जब उसे हम लोग पूछते थे कि बेटा क्या करोगे, जब वो मतलब बहुत छोटा था, 3 साल का था, बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा तुतला के बोलता था, तो वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था और दादी की भी सपना थी कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। अब बेटा अफसर बन गया, आगे क्या सीख देंगे उसे? मैं यही सीख दूंगी कि तुम जैसे बने हो और गांव के भी जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, उनको शुभम के जैसा ही उसको शिक्षा मिले और आगे बढ़े। और क्या उम्मीद पालते हैं बेटा? IAS हो गया है, और क्या उम्मीद पालते हैं? मैं उम्मीद पालती हूँ कि वो मतलब कि पूरा समाज और पूरा बिहार का, जहाँ भी वो पोस्टेड रहे, तो वो गरीबों का और जहाँ सहयोग करे। मेरा पूनम सिंह। बड़ा उपलब्धि है, क्या कहेंगे, इस दिन को किस तरह से ही करें? वो मेरे जीवन का सबसे सबसे खुशी का पल है, इससे अधिक खुशी का की बात कोई हो नहीं सकती है। सारा जीवन हमने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया, और एक सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण पिताजी अर्ली एज में गुजर गए, जिसमें 10th में पढ़ता था, तो जहां जाने के लिए हमने संकल्प किया था उस ऊंचाई पर नहीं जा सका। लेकिन उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं अपने बच्चे को ज़रूर एक न एक दिन उस ऊंचाई पर पहुँचाऊँगा जहाँ पे मैं जाना चाहता था, जहाँ पे सारी दुनिया, सारा देश जहाँ जाना चाहता है। कि हम सभी का सपना होता है कि हम बहुत सबसे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहाँ पे पहुँचे, तो ये निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसे पता कैसे चला आपको? ऑफिस सबसे पहले पता चला, उन्होंने ही कॉल किया। जब मैं ऑफिस से नीचे आ रहा था बंद करके, तो उन्होंने ही पहला कॉल किया कि पापा UPSC का रिजल्ट हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कैसा रहा रिजल्ट, रैंक कितना रहा, तो उन्होंने एक बार बोला कि फर्स्ट रैंक है। तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मैंने दोबारा रिपीट किया कि रैंक, एक्चुअली रैंक कितना है। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं पापा टॉप कर गए। तो ये बोलते बोलते उसके भी आँख में आंसू, मेरे भी आँख में आंसू आ गए। ये उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, जो उसकी पहली शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा क्लास 2 में वो पटना से हुई, ST सेवरेंस स्कूल, हाई स्कूल से 2 से 5वें क्लास तक। 6ठे क्लास में वहाँ विद्या विहार परोड़ा पूर्णिया, 6ठे क्लास से 10वीं क्लास तक, 10वें क्लास मैट्रिक विद्या विहार परोड़ा से किया 2012 में, और 12 के लिए जो है बोकारो चिनमिया स्कूल 2014 में उनका 12 हुआ, और 2014 में ही IIT क्वालिफाई किया साथ साथ, और IIT मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2014 से 18 उनका BTech का साल था, 19 में वो UPSC में बैठा। और अभी फिलहाल कहाँ है? फिलहाल अभी पुणे में है, पुणे IDAS सेंटर। कितना भाई बहन? एक भाई एक बहन, बड़ी बेटी है और छोटा शुभम। जी, मेरा नाम देवानंद सिंह।
शाखा प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा पूर्णिया।